हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हम अपने बात कर लें प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ और उनको सपोर्ट भी करती हूँ, कि उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक बात का वादा किया था, और जितने भी वादे वही हैं, चाहे वो मिनिस्टरों के हैं, प्राइम मिनिस्टर के हैं, या जितने भी बिल्डर्स हैं उनके हैं, सबके आपके सामने हैं, और आप सब मुझसे अच्छे और बेहतर तरीके से जानते हो कि किस किस ने अपने वादों को कितना पूरा किया, या जो उन्होंने वादे वईद किए थे वो उस पर कितने अमल पैरा हुए। तो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था आवाम से कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, जितने भी बेघर लोग हैं उनको घर मिलेगा। तो आज हम घर ही की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन हमारे सामने है कि कितने लोगों को उन्होंने घर दिए, या कितने घर उन्होंने तामीर किए, या किस किस को उन्होंने छत दी। दूसरी बात हम ये करते हैं कि देखें, घर का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास हमारी छत ही नहीं है, हमारा घर ही नहीं है, तो हम जो रोजगार कमाएंगे हम उससे कितना मुफीद हमारे लिए हो सकते हैं, या हम उससे कितना फायदा हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो इंसान के लिए उसका घर, उसकी छत है, और इसके बारे में सोचना भी चाहिए। कराची के अंदर अगर देखा जाए, मैं इस वक्त बात करूंगी कराची की, क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट ले रहे हैं कराची से, और इंशाल्लाह आप तमाम सहाफी भाई जो भी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी हम इस बात की अपील करेंगे कि हमारा साथ दें, और इस काम जो खैर का हम काम स्टार्ट करने लगे हैं, हमारे साथ इस काम में जो शमूली रखियात करें। कराची के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो कि घरों का ख्वाब देख रहे हैं लेकिन बेघर, किसी के पास कोई घर नहीं, और उनके रोजगार भी इतने अच्छे नहीं है कि सेविंग करके वो अपना घर बना सके या घर तामीर कर सके। तो मैं प्रॉपर्टी बैंक मार्केटिंग की तरफ से एक ऐसा एजेंडा लेके आई हूँ, एक ऐसी कि प्रॉपर्टी बैंक मार्केटिंग जितने भी गुराबा है, गरीब लोग जितने भी हैं, उनके लिए एक ऐसा मंसूबा लेके आया है, एक ऐसा मतलब वो लेके आया है कि उनको घर फ्राहम करेगा, और उसका प्रोसीजर क्या होगा कि उनको जितने भी फॉर्म वगैरह हैं सब कुछ उनको फ्री में दिए जाएंगे, इसके ऊपर मतलब उनसे कोई पैसा कुछ भी नहीं लिया जाएगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको फ्री दिए जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये समझ लें कि गुराबा के अंदर फ्लैट की तकसीम होगी, और जितना कि उनके लिए मतलब इस तरह से होगा कि उनके लिए बहुत ही आसान होगा कि वो लीज पैसे ले सकते हैं, और बहुत ही आसान टास्क के साथ वो उसकी लीज देंगे, और बहुत ही मतलब जैसे उनके लिए फिजिबल हो, और जैसे उनके लिए ये मतलब लेना जितना आसान हो उनकी आसानी को मद्देनजर रखते हुए, और बहुत लो कास्ट स्कीम के थ्रू जो है तो हम उनको दे रहे हैं। दूसरा ये कि हम इस ये जो काम स्टार्ट करने लगे हैं इसमें हम स्पेशली बिलावल भुट्टो से और से मुराद अली शाह से इस बात की अपील करेंगे कि उस काम में हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें। हमें उनसे कोई माली इमदाद नहीं चाहिए कि हम उनसे कोई ये कहें कि हमें माली तौर पे वो सपोर्ट करें या कोई माली इमदाद वगैरह दें, बल्कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि इस काम में वो हमारा साथ दें, हम इस तरह सपोर्ट करें कि हम गुराबा के लिए एक स्कीम बना सकें, एक ऐसा मंसूबा बना सकें ताकि वो इस मंसूबे पे हम खुद अमल पैरा हों और गरीबों को छत फराहम कर सकें। अगर बीच में आपको पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन के जवाब मगर रिलेट इससे करनी चाहिए। जी बोलिए। जी ओके। और ये जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास जो जमीन है 100 एकड़ जमीन है, नॉर्दर्न बाईपास पे है, और इसमें जो है तो 1000+ जो है प्लाट, और ये गरीब लोगों को दी जाएगी, स्पेशली कराची के लोगों को, और इसका स्टार्ट हम लोग कराची से ले रहे हैं। जितने भी कराची के गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है वो लोग आएंगे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और मतलब आसान इकतास में लीज पर उनको ये प्लॉट दिए जाएंगे, जैसे कि सबका ये और सेकंड चीज, हम हर मंथ में कुरानदाजी करेंगे, और कुरानदाजी के थ्रू हम उनको 100 लोगों को 100 प्लॉट तकसीम किए जाएंगे कुरानदाजी में जिनका नाम आएगा। और बस हमारी मेन पॉइंट्स जो थे वो प्रॉपर्टी बैंक मार्केटिंग की यही थे कि प्रॉपर्टी बैंक मार्केटिंग गुराबा के लिए कैसी मुनज्जम तंजीम लेके आए जो उनको घर फ्राहम करना चाहते हैं, और जो कराची के बेरोजगार लोग हैं उनके साथ तावन करना चाहते हैं। सो आप में से अगर किसी को ये बात बहुत इजी और बहुत अल्फाज आसान लफ्जों में थी और बहुत ही आसान एजेंडा था जो कि आपके सामने पेश किया,
और इस बात की अपील की कि जो मुराद अली शाह और जो बिलावल भुट्टो है इस काम में हमारा साथ दें, हमें कोई उनसे माली इमदाद नहीं चाहिए, मगर उनकी सपोर्ट में हम ये करना चाहते हैं। और दूसरा, हम ये जो है तो ये नहीं होगा कि इसमें कोई फ्रॉड हो या ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो भी ये लोग लेंगे जमीन, उनको वहां पे ही कब्जा दिया जाएगा और वो उसी जमीन पे उसी वक्त काबज हो सकते हैं। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आपके फार्म सबमिट किए जाए, जैसे कि उनको लारे लगाए जाए या उनसे कोई रिश्वत ली जाए या उनको मतलब हेरा फेरी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडे जो मैंने आपके सामने पेश किया। जब कोई लोग उसके बाद लेता है आपसे, तो फिर मुख्य चार्जेस सामने आ जाते हैं, डेवलपमेंट चार्ज ये वो, इतने ज्यादा चार्ज होते हैं कि वो अपना प्लॉट छोड़ने का मजबूर रहते हैं। ये बात मैं मीडिया के सामने कर रही हूँ और मीडिया पे आके कर रही हूँ, और आप सब जितने भी हैं, ये तो ये क्या सहाफी हमारे साथ होंगे, जो कुछ होगा उनके सामने होगा और मीडिया के सामने होगा, लोगों के सामने होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमने यहाँ पे एक बात की कि ये हमारा एजेंडे, हम ये कर रहे हैं, और बाद में अपनी बात से मुकर जाएं, ये बाद में हेरा फेरी करें, या बाद में उनसे कहें कि नहीं इसके आप हमें इतने जो है तो चार्जेस दें तो हम तब आपको देंगे, या इसकी हम आपको कब्जा नहीं दे सकते, या इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। ऑन द स्पॉट कब्जा होगा और ऐसे कोई चार्जेस नहीं है कि जो मतलब यहाँ पे जो बात डिस्कस की गई है वही होगी। मतलब बिल्कुल जमीन हमारे पास है और हम ले चुके हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो उन बड़ी बड़ी मैं यहाँ पे लोगों की बात नहीं करूंगी, अगर उन्होंने अपने वादे वेद किए पूरा नहीं किए तो वो आपके सामने, बल्कि हर बिल्डर आते हैं ऐसे वादे करते हैं कि मैं हरीम शाह आप लोगों के सामने इस बात का इकरार करती हूँ, और जो मैं वादा करूंगी या जो मैं आपके सामने बात करूंगी तो मेरी एक ही जुबान होगी, एक ही बात होगा, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि कल मीडिया मुझे ब्लेम करे। अगर एक काम में मीडिया के सामने आके, सहाफी भाइयों के सामने आके जुबान दे रही हूँ, कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वादे का पास रखना बहुत अच्छे से आते हैं। और मुनाफिकीन होते हैं वो लोग जो वादा करें और वादों की खिलाफ वर्जी करें। तो जितने भी बिल्डर हैं या जितने भी वो लोग हैं, मैं उनको मैं मुतनबी करती हूँ, तनबी करती हूँ कि आप लोगों को ये काम करना चाहिए था, आप लोगों के पास सब कुछ था, एक चीज मतलब आप ऑथोराइज थे, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? अगर आप लोग करते लोगों के खिलाफ वजूद के काम करते या गुरबा के लिए आप ऐसी स्कीम लेके आते, तो आज हमारे पाकिस्तान की ये हालत न होती जो इस वक्त हस्ता हाल है। जी मेरी डील है, मैं कराची में हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, लाहौर में हूँ, जहाँ मर्जी हूँ, लेकिन मेरी डील है तो जाहिर है मुझसे ही लोग करेंगे। अभी फिल वक्त मैं कराची में हूँ, कराची वालों के लिए मुझ सुबह लेके आई हूँ, कराची की आवाम के लिए लेके आई हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं कराची में हूँ। आवाम के लिए इसकी कीमत जो है तो 3 लाख। सॉरी, इंस्टॉलमेंट 100 100 100 100 100। सो सबसे मेन हमारी जो है कि अगर आप जितना उनके लिए फिजिबल होगा देना, जितना वो दे सकेंगे, इसमें कोई नहीं है कि आपने इतनी की किस्त देनी है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने इतने पैसे देने हैं जमा करवाने, ये इतनी किस्त देनी है। जाहिर है हम गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें हम गरीबों को देखेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनकी आसानी के लिए काम करेंगे। तो हम उनसे ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप हमें इतने दो। जाहिर है गरीब आवाम के लिए हमें काम कर रहे हैं, तो हमने उसमें उनको देखना है कि उनके लिए कितना फिजिबल है, वो कितना पे कर सकते हैं, उनके लिए आसानी किस काम में। तो इसमें कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि उनको दुश्वारी हो, बल्कि हमारा काम यह है कि हम इखलास नीयत के साथ अपनी इंटेंशन दुरुस्त रखते हुए एक काम अल्लाह की रजा के लिए करें और गरीब के लिए करें, और अल्लाह तबारक व तआला से बदले की वो रखें। तो इसमें हम उनको फ्री दे देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम अल्लाह की रजा के लिए उनको फ्री देंगे और ऐसा ही होगा।
वीडियो वालों ने आज तक मुझे कितना डिस्काउंट दिए नहीं आप वीडियो वालों ने आज तक मुझे कितना डिस्काउंट दिए जो है वीडियो वालों को तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं नहीं ये है कि हम ये जो काम करेंगे हमारे साथ हमारा मीडिया होगा जो हमें सपोर्ट करेगा क्योंकि हमारे सहाफी भाई हमें सपोर्ट करेंगे तो इस चीज को हम पब्लिकली वो लोगों तक लेके आ सकते हैं। इसीलिए हाँ मैं आप सब से इल्तमास करूंगी और अपने तमाम सहाफी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ एक मुनज्जम टीम का हिस्सा बने और हम सब मिल के अल्लाह की रजा के लिए न कि हमारे इस काम में कोई रियाकारी हो न दिखावा हो न कुछ ऐसा हो बल्कि अल्लाह की रजा के लिए इस काम को आगे बढ़ाएं। जाम चकरी नॉर्दर्न बाईपास जाम चकरी नॉर्दर्न बाईपास जी बिल्कुल हम मीडिया को विजिट करवाएंगे इसीलिए मैं अगर काइंडली आप एक एक करके मुझे क्वेश्चन करें ताकि मैं बहुत सहाबी मैंने है रे मेरे साथ और दूसरी बात ये कि वहाँ 2000 है और जितने भी रिश्वत खोर हैं उनके लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। वैसे भी अल राशी वल मुर्तशी किलाहुम व फिर नार दोनों ही जानवी है लेने वाला और देने वाला। लानत अल्लाही अलल काज़िबीन मुकज़िबीन पे लानत है अल्लाह की जब कुरान पाक लानत कर देते हैं और इसके साथ ये अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुम अफिन्नार देने वाला दोनों वो है। हम जो कर रहे हैं हमने कहा ना इसमें कोई रियाकारी नहीं है बिल्कुल स्टेप फॉरवर्ड बात है ओपनली बात है सहाफी भाइयों के सामने होगा आप हमारे साथ इंशाल्लाह मुंसलिक होंगे और आपको हमारा साथ देना होगा। और हुकूमत सिंध जो है हमारे इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब मुराद निशा ये जितने भी हैं उनको भी हमारा साथ देना होगा हमें कोई माली अमदाद नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ अल्लाह का दिया सब कुछ है सपोर्ट चाहिए साथ चाहिए ताकि हम सब मिल के अपनी गरीब आवाम के लिए कुछ कर सकें। बहुत जल्द हम कुरानदाजी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये इसका हम ऐलान कर देंगे आपको डेट वगैरह जगह वगैरह सब कुछ कंफर्म कर देंगे और फॉर्म वगैरह वहाँ पे जो भी होगा सब कुछ आपके सामने होगा और आपको जगह का सबको पता चलेगा। और अगर हाँ सहाफी विजिट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम जब आपका दिल चाहे विद कैमरा आ जाए और उस जगह का विजिट कर लें देख लें उसके बारे में आप भी जो है तो उस जगह को परख लें कि ये भी मेरी जगह तो मैं ही देखूंगी ना मेरी जगह मैं ऐलान करने आई हूँ मैं आपको कहती हूँ आप देख लें जी आप विजिट करें जी। अच्छा जी हम लोग बिल्कुल ये भी आपको भी क्लियर करती चलूं कि हम लोग जमीन देंगे हम लोग प्लॉट देंगे अगर कोई लोग घर तमीर नहीं कर सकते तो हम उनको हेल्प आउट करेंगे बट ये नहीं है कि मैं उनको घर बना के तामीर करके एक स्ट्रक्चर बना के दूंगी नहीं मैंने सिर्फ उनको जमीन देनी जी बिल्कुल मैंने जमीन देनी। अच्छा ये सुन रहे हैं कि आजकल बहुत सारे गुजरा की भी बड़ी जो है वो लीक हो रही है स्टूडियोज लीक हो रही है तो आपने वजीर आजम का कहा है कि वो रियाद से मदीने है उसके अंदर हालात हो रहे हैं लेकिन उसका कोई हाल तो नहीं हो रहा आप जैसे लोग तो मैं बिल्कुल मैं यहाँ पे यही बात करूँगी मैं किसी की वीडियो वायरल होती है नहीं होती उसका पर्सनल मामले हर एक को हमें दूसरों के एबों में पर्दा डालना चाहिए और मक्की रखने चाहिए क्योंकि अल्लाह भी वो डालते हैं वो हर एक की पर्सनल लाइफ है बट आवाम के साथ क्यों देखें हर एक राय से उसकी रायत के बारे में पूछा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर हमारे वतन का प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है हम लोगों ने उसको वोट दिए हम लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाए तो हम इस बात की प्राइम मिनिस्टर से जरूर अपील करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने वादे वहीद पूरे करें आपने ये वादा किया था आवाम के साथ काइंडली उसको पूरा करें। ये मैं नहीं कहूँगी कि शहरशीद तूने वीडियो क्यों अपनी वायरल की या किसके साथ की ये उसका पर्सनल मामले एक करे दस करे या ना करे ये उनका पर्सनल मामले बस इतना कहूँगी कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। जी 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 मेरे तो नहीं
जिस दिन मुझे करनी होगी तो मैं आप सबको बता दूंगी कि मैंने किससे करनी है, अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। नहीं, वो मेरे भाइयों की जगह मेरे भाई की जगह। जी जी, आप किसी और को बात क्लियर है या अगेन आपको मैं सब चीजों के बारे में बताऊं? बिल्कुल क्लियर है। कोई मतलब शक शुबे वाली बात, कोई ऐसी मख्फी बात नहीं थी, कोई ऐसी पोशीदा बात नहीं थी, कोई ऐसी हैरा फेरी वाली बात नहीं थी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान था जो आप सब लोगों के सामने बता दिया। और उसमें मैंने इसीलिए आपको कहा कि हमारे साहिफी भाई जाएं, विजिट करें, जगह देखें और टाइम निकाल के वो हुकूमत से भी अपील करें कि इस साहिफी बहने भाई जो है यहाँ पे फर्द वाहिद की बात नहीं हो रही, मैं पूरे मजमे से बात कर रही हूँ। हर मुसलमान आपस में भाई भाई है, वहाँ पे बहनों का जिक्र नहीं हुआ। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। थैंक यू सो मच जी, आप सब लोग का आने का खुश रहे। आज हम लोग एक आपके आगे एजेंडा पेश करने लगे हैं, कैसा मंसूबा? प्रॉपर्टी बैंक मार्केटिंग की तरफ से।